नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में उस समय नया मोड़ आ गया जब संकुल जैन शहर की पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अभद्रता करते हुए भड़क उठे। उनके इस व्यवहार के चलते शहर के सभी पत्रकार डॉक्टर संकुल को चिकित्सालय से हटाने और सस्पेंड करने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। जिला CMHO की गाड़ी रोक कर उनसे तुरंत कार्रवाई करने की बात पर अड़े रहे पत्रकारों के हंगामे को देखते हुए CMHO ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी कलेक्टर विदिशा उमन शंकर भार्गव को दे डाली। वहीं कलेक्टर ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए फोन पर चर्चा के दौरान कहा कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय रेस्ट हाउस में पत्रकारों की एक बैठक आयोजित की गई। शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय के वायरल वीडियो की जांच करने पहुंचे जिला CMHO अखंड प्रताप सिंह को संकुल जैन की कार्यप्रणाली एक बार फिर देखने को मिल गई। जब स्थानीय पत्रकारों से घटना को लेकर चर्चा की, चर्चा के बाद जैसे ही पत्रकार कक्ष से बाहर निकल रहे थे, सभी संकुल जैन पत्रकार पर भड़क उठे और अभद्रता कर दी। पत्रकारों ने संकुल जैन के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर अड़े रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए CMHO अखंड प्रताप सिंह ने मामले की जानकारी कलेक्टर विदिशा को दी। इस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण शर्मा से चर्चा कर उन्हें 24 घंटे की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर के आश्वासन पर पत्रकार शांत हुए। वहीं शाम तक डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि डॉक्टर संकुल जैन धनेश मिश्रा का मारपीट और अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच करने के लिए CMHO अखंड प्रताप सिंह शासकीय जन चिकित्सालय पहुंचे, जहां सभी वार्ड बॉय दोनों डॉक्टर पत्रकार से चर्चा की। उन्होंने 3 दिन की कार्यवाही करने की बात कही थी, लेकिन संकुल जैन पत्रकारों पर भड़क उठे। जनप्रतिनिधि पत्रकारों के माध्यम से मुझे ये जानकारी हुई और ये जानकारी कलेक्टर साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब की भी नॉलेज में आई। और इसी उसमें तारतम्य में कल भी बहुत सारे हमारे पास अखबारों की कटिंग और ये सारी और इसी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। इस माध्यम में इसी संबंध में वस्तुस्थिति को जानने में कलेक्टर से मेरी चर्चा हुई, इसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। और इसके बाद हमने इसी इसमें एक हमने जांच कमेटी गठित कर दी है, जो जांच करेगी और 3 दिन में वस्तुतः क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें कितनी गलती इनकी है, क्या है, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसी कार्यक्रम में आपके BMO साहब के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, उनसे सवाल जवाब नोटिस लेकर सवाल किया गया, उस पर ये आया है कि उनने लेटर संबंधित ने लेटर फाड़ के फेंक दिया, उस पर आपके पास क्या जानकारी? मेरी BMO साहब डॉक्टर चिड़ार से बात हुई, जब इसलिए मेरे संज्ञान में आया कि क्या क्या हुआ, तो BMO साहब ने बोला मेरे पास कोई सर शिकायत नहीं आई है। मैंने कहा आपकी संज्ञान में जब ये मामला है तो आप स्वतः संज्ञान लीजिए, लेटर दीजिए उनको। तो इन्होंने इनको लेटर दिया और ये डॉक्टर धनेश मिश्रा ने उसको इनके सामने ही फाड़ा कि मैं कोई लेटर मानता नहीं हूँ और इस बात की लिखित सूचना भी BMO साहब ने मुझे दी है, इस पर भी कार्रवाई होगी। क्या सरकारी कागज फाड़ने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, वो पता समय बताएगा आपको। सरकारी कागज फाड़ना क्या आपराधिक प्रकरण होता है क्या? आपराधिक प्रकरण तो नहीं होता, नियम साक्षी नियमों के अनुरूप तो नहीं होता। अब वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी कैसी क्या है, ये इनके द्वारा शिकायत की गई है उसी की जांच करा रहे हैं हम। सर क्या वासुदा अस्पताल गुटबाजी का शिकार हो रहा है ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सर, पूर्व में भी कई जांचें चली हैं लेकिन ठंडे वक्ते में डाल दी गई है सर, कहीं ऐसा तो नहीं सर ये जांच भी कोई? मैंने बहुत ज़्यादा लंबा समय तो दिया नहीं आपको, अभी जो कुछ भी है बहुत जल्दी समझ आ जाए सामने आ जाएगा। जी भाई सर, हमेशा यही क्यों होता है कि जो भी पत्रकार कवरेज करने के लिए आता है, कुछ जो डॉक्टर जो अपनी हिटलरशाही कहेंगे जिन्हें जो चला रहे हैं वो पत्रकारों पर ही FIR करने के लिए भिजवाते हैं। मेरी समस्या उन मैच्योरिटी नहीं है उनमें, उनको कैसे मर्यादित व्यवहार करना चाहिए और उनका जो डॉक्टर का जो काम है
केवल पेशेंट देखना नहीं, बाकी और भी काम है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी काम है। और परिजनों के संग कुछ घटना घटित हुई है पीड़ित लोगों का, उनकी ही तहरीर डॉक्टर ने बना के भेजी है, ये तो क्या उनकी तहरीर वापस ली जाएगी? ये जानकारी नहीं मेरी नहीं है, मैं उसकी जांच जो जाँच में ये चीज आएगी बिल्कुल ली जाएगी, अगर उनके खिलाफ अगर सब उनका कोई कुछ नहीं है। जब मीडिया कर्मियों पे FIR, छोटी सी बात कवरेज करने पे FIR करवा सकते हैं डॉक्टर। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।